जी, कल हमने आपने जो कल मास प्रोटेस्ट रैली उससे रिलेटेड हमने मेयर जी से हमने सवाल पूछा और उसने आपका स्टेटमेंट को लेके उसने क्लैरिफाई किया कि रिगार्डिंग 14 फाइनेंस कमीशन और 15 को लेके कि एक भी पैसा इधर उधर नहीं हुआ है, अगर होता भी है तो ही इज रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस बोल के आपको एक उसने जवाब दिया। इस फाइनेंस कमीशन से लेके आपका तरफ से क्या बयान रहेगा? देखिए, न्यूज़ तो कल हमने भी देखा था। उनका कहना है, मेयर साहब का कहना ये है कि 14 फाइनेंस कमीशन को उन्होंने बोला कि उन्होंने 1 रुपया नहीं चुआ। जो भी किया है वो पिछला जो कॉरपोरेटर लोग किया है, पिछला जो सीनियर वाला जो उस समय में कॉरपोरेटर नहीं था, काउंसिलर था। कि यहाँ अभी सवाल यह बनता है, चीफ काउंसिलर को भी, पिछला वाला लोग को, पिछला वाला का कॉरपोरेटर लोग को भी जवाब देना है। लेकिन एज पर डॉक्यूमेंट ये बोलता है कि ये तो हम नहीं बनाया। आप लोग भी देख सकता है, आपको बाद में कॉपी भी दिया जाएगा। ये कोई फेब्रिकेटेड कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आरटीआई से दिया वाला है। आप यहाँ पर किसी भी ओ में जाइए, पन्ना में जाइए, यहाँ कम से कम 100 to 100 pages का है। तो यह आपको ये बताता है कि ये जनवरी 8 जनवरी 2022 का ये ऑर्डर है। तो ये सारा एक ही ऑर्डर है। तो यहाँ पर हम लोग देखने को मिल रहा है, सपोज ये 50 लाख ये प्रोजेक्ट कॉस्ट है, 50 लैक्स, और डेट ऑफ स्टार्ट 0 to 2022, यानी कि फेब्रुआरी में, 5 तारीख फेब्रुआरी में काम शुरू होता है, कंप्लीशन 25 मार्च में खत्म होता है, फिजिकल फाइनेंशियल प्रोग्रेस 100% पेड। तो उनको ये बताना पड़ेगा कि इधर ये पेपर जो फेब्रिकेटेड करके ऑफिसर लोग 14 फाइनेंस कमीशन को दे रहा है हम लोग को, ये ईटानगर का है, नाहरलगन वाला का तो मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूँ, वो नहीं दे रहा है। ये ईटानगर का है, जिन्होंने जो पैसा को 14 फाइनेंस कमीशन को इस तरह से यूज़ किया, जो 2022 में कंप्लीट यूज़ किया। लेकिन उनका ब्लाइंड जो जाता है कि पिछला वाला जो कॉरपोरेटर लोग के, काउंसिलर लोग के, उनको ब्लाइंड जाता है। अभी मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि पिछला वाला जो काउंसिलर लोग भी, उनको आके स्टेटमेंट दिया जाना चाहिए कि आपने यूज़ किया ना, ये कौन सा टेन्योर में यूज़ किया। दूसरा सवाल, दूसरा उन्होंने ये कहा कि मैंने 15 फाइनेंस कमीशन को भी एक पैसा खर्च नहीं किया, खाली वो एक बिल्डिंग दिखा रहा था जो IMC का ऑफिस में, उसमें सिर्फ हमने खर्च किया था। ये मेरा ये कल और ये था कि कल मैंने ये भी कहा था कि आप ऑफिस को क्यों जल्दी जल्दी में शिफ्ट किया है। उस दिन जब मिनिस्टर जब विजिट किया था, उन्होंने खुद एक स्टेटमेंट दिया था, या हम लोग बारी बारी बिल्डिंग को बना रहा है तो अंदर का भी एक कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन का जो है उसको भी टेंडर किया जाएगा, जो 5 करोड़ का है, जो इंटीरियर पार्ट। तो मेरा सवाल ये था कि उनसे कि आप बिल्डिंग बना रहा है जरूर, लेकिन इंटीरियर पार्ट का भी एक अलग टेंडर और बिल्डिंग शेप को भी अलग टेंडर जो बिल्डिंग का है, ऐसे है क्या? मैं ये क्वेश्चन किया था। तो रहा अभी शिफ्टिंग का, मैंने कहा था कि उसको जब चौथे चौथे प्रोजेक्ट को लेकर इनोग्रेशन होता है तो एक ये एक हिस्ट्रिक होगा कि अभी आपको IMC का ऑफिस सेटअप करने जा रहा है, कम से कम हमारा मुख्यमंत्री को बुला के, मिनिस्टर को बुला के, या तो सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर को बुला के इनोग्रेशन करवाना था। ऐसा नहीं कि आप फटाफट फटाफट में कर रहा है, हम ये सवाल किया था। ये नहीं कहा था कि ऑफिस क्यों शिफ्ट किया था, ये गलत उनका इंटरप्रेशन है। तो दूसरा, अभी 15 का उन्होंने बोला कि 15 फाइनेंस कमीशन में 1 रुपया खर्च नहीं किया हुआ। तो आप लोग, मैं आप लोग से मैं ये भी दिखा दूँ, ये भी एक थ्रो RTI से उनके जरिए निकाला गया है, ये कोई फेब्रिकेटेड नहीं है, शायद ऑफिशियल वाला फेब्रिकेटेड कर सकता है। तो यहाँ पर कंप्लीटली लिखा हुआ है, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, प्रपोज एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन टाइप अंडर ई प्रोजेक्ट को सपोज 30 लैक्स, एटेन जो 18 लाख जो आपका दिसंबर में कंप्लीट हो गया होगा, ये दिखा रहा है एक्सपेंडिचर अप टू 31 दिसंबर, देन प्रपोज एक्सपेंडिचर अप टू 31 मार्च 2023, टारगेट कब होता है, टोटल कॉस्ट अप टू 31 मार्च तक 33, ये मार्च तक ये खत्म हो जाएगा आधा पैसा, ये लिखा हुआ है। मैं उसको बार बार बता रहा हूँ, लेकिन वो बार 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 गौर मरोड़ के ये हम लोग को बोल रहा है कि हमने 1 रुपया खर्चा नहीं, 1 रुपया खर्चा नहीं किया। ठीक है,
तब तो ये आपका जो जितना जो डॉक्यूमेंट ऑफिस से आ रहा है वो पेपर के तहत है, यानी कि लोगों को गुमराह बना रहा है। हम नहीं बना रहा है, हम नहीं कह रहा कि आप पैसा का आप कर सकते, हमने थ्रो पेपर की जरिए बोल रहा हूँ, जो रिकॉर्ड कहता है, जो अवेलेबल जो आज का दिन में आपका रिकॉर्ड है हम उसे बोल रहे हैं। तो दूसरा उन्होंने बोला कि हमको कोई पॉलिटिकल पार्टी से ये बिल्कुल भी कांग्रेस से हारने वाला है, कांग्रेस से हार के कल ये बार बार पिछला इंटरव्यू में भी उन्होंने बोला अक्टूबर का 22 में, तो दोबारा कल उन्होंने दोहराया कि ये प्रेस्टेशन अपना प्रेस्टेशन निकल रहा है और ये कांग्रेस लगा रहा है। और अभी भी मैं सार्वजनिक करता हूं, मेरा पॉलिटिकल पार्टी से कोई दूर दूर तक कनेक्ट नहीं है। हाँ, मैं पॉलिटिकल पार्टी में जरूर था, उनको मैं याद दिला देता हूँ, मैं पॉलिटिकल पार्टी 2009 से मैं जुड़ा हूँ। जब मेरा कॉलेज टाइम में था मैं पंचायत लीडर भी बन चुका हूँ बस्ती गांव में, हमारा अंचल समिति मेंबर में, उससे पहले उसके बाद वो 2009 से 13 तक मेरा टेन्योर खत्म होता है। 13 के बाद जब यहाँ पर इलेक्शन आया तो उनको पता चलना चाहिए, उस समय में मैं कांग्रेस में था, मैं कांग्रेस को चौके 2014 में उनका साथ मैंने काम करने का वर्कर में काम किया था, ईटानगर हमारा ईटानगर कॉन्स्टिट्यूंसी में जनरल इलेक्शन 2014 में। शायद उनको याद नहीं होगा, मेरा एक चौथा एक मारुति कार था, उस समय में मारुति कार हमारा चलता था, मैं उनको उनके साथ काम करके काफ़ी घूमते रहता था और उनको पता भी शायद याद नहीं होगा, बड़ा लोग का इतना याद नहीं होता है। तो ये है दूसरा, 2019 में फिर से मुझे दूसरा पार्टी ने इन्वाइट किया, मैं फिर बीजेपी को उनका साथ में काम करके, और जो अब उसके बाद 2014 में हम लोग अचानक में इलेक्शन लॉस हो गया उनका पार्टी और हम लोग एक पार्टी में था। दूसरा जो अभी 2015 में जितना करप्शन का मुद्दा जो अरुणाचल आंदोलन बोल के कमिटी बोल के हम लोग ने जोरदार पार्टिसिपेट लिया, वो भी बीजेपी के नेतृत्व में, मैं उनका साथ में काम किया। तो अभी जब मैं 2019 में इलेक्शन आया, इलेक्शन के बाद अभी मैं दूसरा फिर मैंने मुझे मैं तो गया नहीं, मुझे इन्वाइट किया जाता है आपका पार्टी में, आप भी इन्वाइट किया, मैं आपका साथ काम किया। अभी दूसरा मैं भला में मुझे इन्वाइट किया गया, मैं वहाँ पर काम किया 2019 में, उनको बारे बारे से मेरा पर्सनल करेक्टर को लेकर, उन्होंने मैंने पर्सनल करियर को लेकर बार बार अटैक आ रहा है, फिर भी बोलता है कि हमारा पर्सनल करेक्टर को किसका लॉस करा किसका नहीं करा वो आप सब लोग देख रहा है। तो हमने वहाँ पर इलेक्शन खेला, इलेक्शन खेलने के बाद हमारा लॉस हो गया, लॉस होने के बाद मैंने बिल्कुल भी मैंने रिजर्वेशन दे दिया 2 महीना के अंदर। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो कांग्रेस का ऑफिस जाइए, कांग्रेस का अध्यक्ष लोग को पूछिए, आज भी जितना जो कार्यकाल में बिता हुआ जो ऑफिस में बिता आप लोग पूछिए, सार्वजनिक हो जाएगा। ये एक दूसरा से अपना नाकामी को छुपाने के लिए अपना अभी कल में हमको ये भी बोलेगा होगा ऐसा हमको अंदाज लग रहा है, कल वहाँ पर कोई सपोज कीजिए कि कोई XYZ गवर्नमेंट गिर भी जाता है तो इन्होंने गिराया, उसमें तो मेरा हाथ नहीं होगा ना, ये देखिए मैं कॉरपोरेटर भी नहीं, मैं एक हार के बैठने वाला हूँ, तो मैं जो भी कर रहा हूँ एक सिस्टम जो लेप्सेस हुआ वो कि मेरा ये आवाज़ है, मेरा किसी का पर्सनल गैरेज नहीं है, कोई किसी पर्सनल लेना देना नहीं, जब हमको ऐसा बोलता है तो हमको जवाब देना पड़ता है, नहीं तो पब्लिक को लगेगा कि ना कहीं ये अपना ये इंडिविजुअल क्लास को लेकर निकल रहा है, ये पब्लिक को ये ज़्यादा वो नहीं करना है। अगर कुछ सवाल उन्हें पूछ सकता है।